बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कैसे शुरू करें? पिछले कुछ सालों से इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका एक मेन रीजन प्रधानमंत्री मोदी जी की शुरू की गई आवास योजना है, जिसमें करोड़ों गरीब लोगों के लिए पक्के घर बनाए गए। ऐसे में जिस बिजनेस की सबसे ज्यादा कमाई हुई है वो है बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। जी हाँ, लोगों को अपने घर बनवाने के लिए तरह तरह के मटेरियल और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। ऐसे में इन मटेरियल्स का बिजनेस करने वाले लोग बहुत मुनाफा कमाते हैं। ये मुनाफा आप भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जानकारी की जरूरत होगी, जिसे हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस क्या है? जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी बिल्डिंग या घर के कंस्ट्रक्शन का काम करने में जिन चीजों की जरूरत होती है उसका बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कहलाता है। बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं? बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा, बल्ली, सीढ़ी और कुछ मशीनें आदि। बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के लिए जगह का चुनाव। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़े एरिया की जरूरत होगी। आपको ये बिजनेस ऐसी जगह पर शुरू करना होगा जहां पर बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर जैसे वाहनों का आना जाना आराम से हो सके, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स को लाने ले जाने का काम इन्हीं के जरिए किया जाएगा। अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आप इस बिजनेस को वहीं शुरू करें, नहीं तो इसके लिए आपको किराए पर जगह लेनी होगी। बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट। आपको कंपनी से मटेरियल अपने पास मंगवाने और उसे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होगा। इसके लिए आपको ट्रैक्टर या ट्रक किराए पर लेने की जरूरत होगी। इसके लिए आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाली कंपनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किराए पर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको कम खर्च करना होगा। बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के लिए लाइसेंस। किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस के लिए MSME के अंडर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। लागत कितनी लगेगी? इस बिजनेस को शुरू करने में लागत की बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप इस बिजनेस को किस स्तर पर शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको इसे छोटे स्तर पर शुरू करना है तो इसके लिए आपको केवल 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 50 लाख तक का इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। प्रॉफिट कितना होगा? ये बिजनेस इन दिनों काफी मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो रहा है। शुरुआत में आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन आगे जाकर यही बिजनेस आपकी करोड़ों की कमाई भी करा सकता है। अगर आप इन दिनों सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बिजनेस का ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो आज ही शुरू करें अपना खुद का बिजनेस और कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।